इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 27 फरवरी को ही डॉग फाइट के कुछ वीडियोज और हेडअप डिस्प्ले की फुटेज को रिलीज किया जा सकता है, जिसको अब तक क्लासिफाइड रखा गया था। सुपर सुकोई प्रोग्राम में एचएएल की तरफ से इंडिजिनस अपग्रेड पैकेज को ऑफर करने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किस वजह से रशियन सिस्टम के साथ जाने का फैसला किया जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान की स्पेशल फोर्सेस को भी भारत की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। श्रीलंकन एयरफोर्स डे के अवसर पर श्रीलंकन पायलट्स को तेजस की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को देने के साथ साथ इंडियन नेवी की तरफ से भी अपनी डोनर एयरक्राफ्ट का डेमो दिखाया गया है। और अंत में टर्की की तरफ से अभी पाकिस्तान को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करने की बात सामने आई है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 27 फरवरी को हुई डॉग फाइट को लेके है। आप सभी को पता है कि इस डॉग फाइट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की तरफ से सेसली पाकिस्तान की F-16 की तरफ से एमराम मिसाइल को वीवीआर रेंज में इंडियन एयरफोर्स की SU-30MKI एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर किया गया था, जबकि इंडियन एयरफोर्स की SU-30MKI की तरफ से एक भी मिसाइल फायर नहीं किया गया था, क्योंकि F-16 SU-30MKI एयरक्राफ्ट की मिसाइल की फायरिंग रेंज से काफी बाहर थे। पर SU-30MKI की तरफ से पाकिस्तानी F-16 की तरफ से फायर किए गए सभी मिसाइल को इवेड कर दिया गया था और पाकिस्तानी F-16 की तरफ से फायर किए गए 4 से 5 एमराम मिसाइल में से एक भी इंडियन एयरफोर्स के SU-30MKI को हिट नहीं किया था। लेकिन इसको किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई ने इवेड किया था और मिसाइल को इवेड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के SU-30MKI की तरफ से क्या काउंटर मेजर सिस्टम लॉन्च किए गए थे या फिर किस तरीके से मैनेवर्स को परफॉर्म किया गया था, ये किसी को भी बताया नहीं गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Avenger-1, जिसके ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 ने मिसाइल फायर किया था, उसकी हेडअप डिस्प्ले के सामने लगे कैमरा की कुछ वीडियोज को पब्लिश करने की बात सामने आई। सबसे पहले तो इन वीडियो को रशिया की तरफ से देखने का डिमांड किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने कैसे एमराम मिसाइल को इवेड कर दिया था और रशिया के रिक्वेस्ट की वजह से उनको SU-30MKI एयरक्राफ्ट की हुड फुटेज को दिया गया था। ये वीडियो जल्दी से ही पब्लिक हो सकती है, लेकिन अभी बस इतना बताया जा रहा है कि इस दौरान Avenger-1 8 F-16 का सामना कर रहा था, जिन्होंने इसके ऊपर 4 मिसाइल को फायर किए थे। इनमें से सभी मिसाइल को पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने जल्दबाजी में फायर कर दिया था, जिस वजह से SU-30MKI एयरक्राफ्ट के साथ मैनूवर नहीं कर पाए थे और उससे पहले डेड हो गए थे। अब मिसाइल जो होती है, इनके अंदर लिमिटेड एनर्जी होती है और इनिशियली 15 से 25 सेकंड के बाद इनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट करने की ताकत नहीं बचता है और बेसिकली बस पहले से गेन किए गए मोमेंटम के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से कोई भी हाईली मैनूवरेबल एयरक्राफ्ट इनको आसानी से 30 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा दूरी से चकमा दे जाता है। भले इनका मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर के आसपास हो, लेकिन इनका जो इफेक्टिव रेंज होता है यानी कि नो एस्केप जोन होता है, वो इसका एक तिहाई के आसपास होता है। लेकिन रैमजेट मिसाइल यानी कि मेट्योर मिसाइल, जिससे मिसाइल आखिरी मोमेंट तक भी एक्सीलरेट कर सकते हैं, जिस वजह से इनका नो एस्केप जोन किसी भी डुअल पल्स मोटर या कन्वेंशनल मिसाइल में से काफी ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे कि Avenger-1 आगे बढ़ रहा था और मिसाइल को इवेड करते हुए पाकिस्तानी F-16 के ऊपर चार्ज कर रहा था, लेकिन इस दौरान इसने मिसाइल फायर नहीं किया था। अब मिसाइल फायर ना करने का जो मेजर कारण था वो ये था कि तब Avenger-1 में मीडियम रेंज की R-77 और R-27 मिसाइल लगा हुआ था, जिस वजह से वो इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स की तरह रेंज से बाहर फायर नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को मिसाइल की रेंज में लाने के लिए ये आगे बढ़ रहा था। और 4 में से पहले 3 मिसाइल तो पहले से डेड हो गए थे, लेकिन एक एमराम मिसाइल इसके काफी करीब आ गया था, लेकिन Avenger-1 के पायलट्स ने SU-30MKI की मैनेवरेबिलिटी और थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके एमराम मिसाइल को इवेड कर दिया था। और पहले भी जब इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, तो उस दौरान भी सिंगापुर की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के साथ एमराम मिसाइल को इवेड करने की लगभग हर मुमकिन टेक्निक को शेयर किया गया था। अगला अपडेट SU-30MKI एयरक्राफ्ट के अपग्रेड प्रोग्राम को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत अपने सभी SU-30MKI एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है और ये डील पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी अपनी 200 के आसपास SU-30MKI एयरक्राफ्ट को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है। पहले इसमें रशिया की तरफ से मदद किया जाने वाला था और रशिया इसे अपग्रेड करने में भारत को मदद करने वाला था, लेकिन HAL की तरफ से
अभी इसमें अपनी देसी सिस्टम की मदद से अपग्रेड करने का फैसला किया गया था और HAL अभी तेजस MK2 या फिर MK के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप किए गए थे उन सभी सिस्टम को अपने सुपर सुकोई प्रोग्राम में शामिल करने की बात की गई थी, जो कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने के साथ साथ ये रशियन सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम से भी बेहतर होने वाले थे, सिवाय इसके इंजन के, क्योंकि रशिया की जो सुपर सुकोई प्रोग्राम होने वाला थे उसके अंदर SU-30 MKI की L-31F इंजन के बदले वो सुपर सुकोई के अंदर L-41F इंजन को ऑफर करने वाले थे, जो कि SU-35 में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन HAL के पास कोई इंजन ना होने की वजह से HAL सिर्फ रडार और एवियोनिक्स सिस्टम को यहाँ पे ऑफर कर रही है और हो सकता है बाद में HAL इसमें L-31 के बदले N-41 इंजन को रिप्लेस करने वाला है, लेकिन उसके लिए रशिया से इसको हमको खरीदना पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल HAL सुपर सुकोई अपग्रेड में इंजन को बदलना नहीं चाहता है। इसमें HAL सेम इंजन के साथ एडिशनल एवियोनिक्स सिस्टम को ऑफर कर रही है और पूरे अपग्रेड पैकेज में मैक्सिमम इंडियन सिस्टम को ही रखने की कोशिश किया जा रहा है और कुछ रशियन सिस्टम भी यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी सीधे तौर पर HAL के साथ जाने से थोड़ा सा हेजिटेट किया जा रहा था, क्योंकि अगर हम अभी सुपर सुकोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम में सीधे तौर पर रशिया को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं तो आगे चल के अगर कोई भी टेक्निकल इशू सामने आता है तो उसमें रशिया शायद ही हमें मदद करने वाला है, क्योंकि वो सीधे तौर पर हमको बोल सकते हैं तुमने छेड़छाड़ किया था और अभी कोई गड़बड़ी हो गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सुपर सुकोई प्रोग्राम में रशिया को भी शामिल करने का प्लान किया गया। इसमें रशिया HAL को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली है और इसके लिए रशिया को पैसे दिए जाएंगे। हालांकि इस बात को लेकर HAL का कहना है कि पहले भी वो SU-30 MKI के स्ट्रक्चर में रशिया के असिस्टेंस के बिना ही बदलाव कर चुके हैं और ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए जब SU-30 MKI एयरक्राफ्ट की फिजलाग सेक्शन को मॉडिफाई किया गया तो उसे HAL ने अपने दम पे कर लिया था, तो आगे चल के भी वो इन जेट्स को अपने दम पे मॉडिफाई कर सकते हैं। हालांकि अभी एक अच्छी खबर ये सुनने को मिला कि जब रशिया को HAL की तरफ से सुपर सुकोई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कहा गया तो वो हमारे कंडीशन में राजी हो गए थे, यानी कि वो सुपर सुकोई में मैक्सिमम इंडियन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए भारत को मदद करने वाले और साथ ही जो भी सिस्टम हम रशिया से खरीदने वाले हैं उसको भी हमको सप्लाई करने वाले और साथ ही टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आगे चल के अगर कोई दिक्कत सामने आता है तो उसमें भी वो भारत को मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी श्रीलंकन एयरफोर्स की 70th एनिवर्सरी के अवसर पर अभी अपनी एक टीम को श्रीलंका भेज चुकी है, जिसमें सूर्य किरण टीम, सारंग टीम और तेजस शामिल था और ये पहली बार था जब तेजस श्रीलंका में होने वाली किसी एरियल डिस्प्ले में पार्टिसिपेट करने वाला है और इसमें श्रीलंकन पायलट भी मौजूद रहने वाले हैं। पर अभी इसमें कुछ और ट्विस्ट देखने को मिला है। इसी अवसर पर अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी श्रीलंका में होने वाले सेलिब्रेशन में शामिल हो चुके हैं और साथ ही इंडियन नेवी भी अब इसमें शामिल हो चुकी है। इस सेलिब्रेशन को आज से श्रीलंका की तरफ से शुरू किया गया है और इस एरियल डिस्प्ले के दौरान भारत की तरफ से श्रीलंकन एयरफोर्स के हायर रैंक के ऑफिसर को तेजस का डेमो दिखाया गया है। आज जब एरियल डिस्प्ले को शुरू किया गया था तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी शामिल हुए थे और तेजस के अलावा भारत की तरफ से अपने डोर्नर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में भी श्रीलंका को डेमो फ्लाइट दिखाया गया था। इन सभी बातों से साफ होता है कि भारत अभी श्रीलंका को अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता है और साथ ही श्रीलंका के साथ बेहतर रिलेशन को बनाना चाहता है, जिस वजह से आगे चल के ये भारत चाइनीज इन्फ्लुएंस को श्रीलंका से दूर रख सके। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि अभी हमारे एयर चीफ 2 दिन के गश्त पर श्रीलंका के विजिट पर गए हुए हैं और इस दौरान दोनों देशों की म्यूचुअल बेनिफिट को लेकर डिस्कशन होने वाली है और ज्यादातर चांसेस यही है कि यहाँ पर तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर और अभी दिखाए गए डोनर एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हो सके। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है, या यूं कहे कि इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से है। तो ट्विटर में इंडियन आर्मी की ऑफिशियल हैंडल में बताया गया है कि भारत की तरफ से अभी तुर्कमेनिस्तान की स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है और उनको अभी भारत की तरफ से स्पेशल फोर्सेस की सभी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अभी तुर्कमेनिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू किया जा चुका है, जिसमें उनको स्पेशल फोर्सेस की सभी ट्रेनिंग दिया जाएगा और अभी फिलहाल इंडियन आर्मी की तरफ से तुर्कमेनिस्तान की स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को कॉम्बैट फ्री फॉल की ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है। फरवरी में सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान और भारत की 16 ऑफिसर्स को हिमाचल प्रदेश की स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में कॉम्बैट फ्री फॉल की ट्रेनिंग देना शुरू किया गया था और इस दौरान उनको स्काई डाइविंग की टेक्निक सिखाई गई थी। अभी भारत की एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट भी 27 सितंबर को तुर्कमेनिस्तान की विजिट पर जाने वाली है, जहां पर ये तुर्कमेनिस्तान की इंडिपेंडेंस के 30th एनिवर्सरी के अवसर पर सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं। भारत की तरफ से बताया गया कि भारत में अभी तुर्कमेनिस्तान के जिन ऑफिसर्स को या सोल्जर्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है उनको दुनिया की टॉप स्पेशल फोर्सेस की तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद ये किसी भी स्पेशल फोर्सेस की स्किल को मैच कर सकेंगे और तुर्कमेनिस्तान को एक एलीट स्पेशल फोर्सेस को तैयार करने में भारत अभी अपने तरफ से पूरी मदद करने वाला है।
अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट, चाइना और भारत को लेके। हाल ही में इलेक्ट किए गए यूनाइटेड स्टेट के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने नए स्पीच में बताया कि चाइना अभी पूरे दुनिया के लिए खतरा बन चुका है और अभी पूरे दुनिया भर में चाइना अकेला ऐसा देश है जो कि यूनाइटेड स्टेट को इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री लेवल में या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में टक्कर देने वाला है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट अभी पूरे दुनिया भर में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, जिस वजह से कोई भी किसी के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करके गलत काम नहीं कर पाए। हालांकि इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट यहां पर अपनी ही फायदा देख रही है, क्योंकि अगर वो चाइना को काउंटर नहीं करता है तो आगे चल के चाइना यूनाइटेड स्टेट को परेशान करने वाला है और तब यूनाइटेड स्टेट का चाइना को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन चाइना अभी खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरे देशों को भी धमकाना शुरू कर चुके और उनके एरिया के ऊपर कब्जा करना शुरू कर चुका है और लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ अभी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है। इसी वजह से अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी सभी अलाइड नेशन को सपोर्ट करने का फैसला किया गया है और स्पेशली भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट अभी अपनी रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करने वाला है। यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था जो कि एक तरीके से हिंट देता है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी उन देशों की फ्रीडम मूवमेंट को समर्थन किया जाएगा जो कि अभी चाइना से अलग होना चाहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तिब्बत की बात हो सकती है या फिर ताइवान की बात हो सकती है। इसके अलावा चाइना शायद अभी पाकिस्तान से कश्मीर या गिलगित रीजन के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी जानबूझकर पाकिस्तान को अपनी डेबिट ट्रैप में फंसा चुका है और उनको इतना लोन दे चुका है जिस वजह से वो कभी भी इसको चुका नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बाद में चाइना उनकी जगह को हड़प सकेगा और यूनाइटेड स्टेट अभी ऐसा होना नहीं देना चाहता है। स्पेशली भारत के बारे में बात करते हुए जो बाइडेन ने बताया कि पिछले कुछ सालों में भारत यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है और हमारा बायलेटरल डिफेंस ट्रेड अभी $20 बिलियन मार्क को पार कर चुका है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी तक भारत को लगभग $20 बिलियन की डिफेंस सेल के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है, जिससे भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ अपने राइवल देशों के साथ मैचअप करने वाला है। और भारत की सिक्योरिटी इश्यू को लेकर भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी भारत को फुली सपोर्ट करने की बात की गई है। अगला अपडेट टर्की और पाकिस्तान को लेके। आप सभी को पता होगा कि टर्की और पाकिस्तान के बीच काफी अच्छे रिलेशन है और टर्की अभी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर इशू को सपोर्ट करता आ रहा है और हर जगह में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता आ रहा है। अभी सुनने को मिला है कि टर्की और पाकिस्तान अभी एक साथ मिलकर एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहता है कि चाइना के साथ मिलकर उन्होंने JF-17 को डेवलप किया है जो कि उनका इंडिजिनस फाइटर है। वो बात अलग है कि इसके सारे सिस्टम चाइना की तरफ से डेवलप किए गए थे और पाकिस्तान बस इसको पेंट करता है और जो पेंट होता है वो भी चाइना से इंपोर्ट किया गया होता है। लेकिन चाइना अभी पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है और जो J-20 है वो कभी भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है और इसी वजह से पाकिस्तान खुद की प्रोजेक्ट अजम के नाम पे एक प्रोग्राम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना चाइना की मदद से पाकिस्तान इसको कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। इसी दौरान तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में यानी कि TFX प्रोग्राम में शामिल करने की बात सामने आई है। अब जैसे कि तुर्की को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 नहीं देने का फैसला किया गया था और उनको अभी इस पूरे प्रोग्राम से बाहर करने का फैसला किया गया था, इसी वजह से तुर्की अभी खुद की फिफ्थ जनरेशन फाइटर पर फोकस करना चाहती है और हो सकता है अभी तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। अभी पहले से ही तुर्की और पाकिस्तान के भी जॉइंटली वॉरशिप्स को बनाना शुरू किया जा चुका है तो हो सकता है वो आगे चल के खुद की फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। और अगर ऐसा करने में दोनों कामयाब हो जाते हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान को चाइना के मुकाबले बेहतर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।